दोस्तों देख तो ये छपरौला के सामने रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये टीम लगी हुई है, ये देख सकते हो तस्वीर है। यहाँ पर ये मिट्टी डाल के और इसको चौड़ा करने का काम चल रहा है। और दिखाते हैं चल के आपको, आगे तक का सफ़र तय करते हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ में, फिर मैं आप लोगों को इंटरटेन करता हूँ। दोस्तों देख सकते हो कि किस तरीके से ये रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। देखो यहाँ पे ये छपरौला ही है, मतलब रॉयल सिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये देख सकते हो ये रॉयल सिटी के सामने ही है जो यहाँ पर वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये देखो, और यहाँ पर जो टीम वर्क कर रही है वो है LNT। दोस्तों आपको बता दूँ कि ये NH 34 लाल कुआं से अलीगढ़ तक ये 6 लेन का बनाया जा रहा है। दोस्तों ये 4 लेन से 6 लेन में अब डाइवर्ट किया जा रहा है। दोस्तों और आपको बता दूं कि ये 6 लेन हो जाने के बाद में फिर इस पर रेलिंग लगाई जानी है, और रेलिंग के साइड में एक साइड में 6 लेन एक्सप्रेस वे रहेगा दोस्तों, और दूसरी साइड में सर्विस लेन दिया जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जितने भी ये रखे हुए हैं ना, यहाँ पर ये आपको बता दूँ, देखो वो वहाँ तक बिल्कुल, ये जो बाइक खड़ी हुई है यहाँ तक ये 3 लेन हो जाएगा, और 3 लेन के बाद में फिर इसमें रेलिंग लगा दी जाएगी, और रेलिंग लग जाने के बाद में दोस्तों ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे हो जाएगा। दोस्तों हमारे गाजियाबाद के लाल कुआं से लेकर और अलीगढ़ तक ये 6 लेन में डाइवर्ट किया जा रहा है। दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए कि अलीगढ़ तक मैं आप लोगों को व्यू देने वाला हूं, तो इसमें कई वीडियोस में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन तो प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो KP संत के चैनल पर। दोस्तों KP संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। दोस्तों तो चलो आप लोगों को दिखाते हैं चल के, दादरी का व्यू देते हैं कि दादरी में कितना कुछ काम हो चुका है, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं दोनों साइड में ही एक एक लेन बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों पहले ये 4 लेन का हुआ करता था, लेकिन अब ये 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे हो जाएगा दोस्तों, जिसके साइडों में ये क्या नाम है, जाली भी लगाई जाएंगी। तस्वीर आप लोग देख सकते हैं बहुत तेज़ी के साथ में इस पर NH 34 पर काम किया जा रहा है दोस्तों, बहुत तेज़ी के साथ में। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखो KP संत के चैनल पर। KP संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो रेलिंग को भी लगाने का काम चल रहा है दोस्तों, तो वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो ये दादरी का हिंडन एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट एरिया है, देखो ये वाला, ठीक है। देखो बीच में ये टीम लगी हुई है जो इसकी साफ़ सफाई करने पे लगी हुई है दोस्तों, और दादरी का भी आप लोगों को व्यू देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से वहाँ पर रेलिंग लगाई गई है दोस्तों। और जिस तरीके से रेलिंग लगाई गई है ना, पूरे एक्सप्रेस वे में उसी रेलिंग को लगाया जाएगा उसी तरीके से दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा मुझे तो अच्छा लगा दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग नीचे हमें कमेंट करके बताना दोस्तों। तो देख सकते हो ये रेलिंग लगा दी है ना, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, और ऐसे ही इन्होंने ये लगाई है कहाँ पे, सिकंदराबाद में भी। तो सिकंदराबाद में भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से इन्होंने रेलिंग लगाई है और किस तरीके से ये काम कर रही है टीम, और जो यहाँ पर इस वर्क को जो कर रही है टीम वो कर रही है दोस्तों LNT, जो कंपनी है वो LNT वर्क कर रही है इस रूट को बनाने में। तो सारे में ही देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया है, और ये 4 लेन से 6 लेन में डाइवर्ट किया जा रहा है। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, तेज़ी के साथ में दिन रात काम हो रहा है दोस्तों। और जो इसका पुराना ब्लैक टॉप था उसको भी उखाड़ के नया ब्लैक टॉप लगाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इसमें टिकमार लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, बीच बीच में ही थोड़ा बहुत रह गया, बाकी अलीगढ़ तक बिल्कुल ही न्यू बन चुका है। तो देख सकते हो कुछ कुछ पैच रह गए हैं, बाकी पुराना ब्लैक टॉप निकाल के और इसमें बिछा दिया जा चुका है, मतलब रोडी कंक्रीट की जगह दोस्तों। अब फिर इसके बाद में नया ब्लैक टॉप बिछा के अब बिल्कुल रोड को चौड़ा कर दिया गया है, और अभी इस पर जब ये बन के कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें लैंड मार्किंग का काम किया जाएगा, और लैंड मार्किंग का काम हो जाने के बाद में दोस्तों
फिर आपको लोगों को चमकेगा कि हाँ ये एक्सप्रेसवे पहले कैसा था और अब ये कैसा हो चुका है। तो वो आप लोगों को सबको देखने के लिए मिलेगा आगे अगले वीडियोस में। तो काफ़ी सारे वीडियोस आप लोगों को आते रहेंगे कंटिन्यू। तो देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर टीम लगी हुई है, किस तरीके से इसको कायाकल्प किया जा रहा है इसके एक्सप्रेसवे को दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ पर ये रेलिंग लगा दी जा चुकी है, देख सकते हो ये 3 लेन एक साइड के कंप्लीट होने के बाद में फिर ये रेलिंग लगा दिया और रेलिंग के बाद में फिर इसमें सर्विस लेन भी दिया गया है लोकल ट्रैफिक के लिए, ताकि लोकल ट्रैफिक आना जाना हो सके गांव वालों के लिए। तो इसी वजह से इसमें रेलिंग का काम किया गया है दोस्तों। और रेलिंग लग जाने के बाद में तो आपको पता ही है कि किस तरीके से यहाँ पर फिर एक्सप्रेस वे बिल्कुल मतलब कि दिक्कत भरा नहीं रहने का है, कि इसमें जो जानवर हैं और जो घुस जाते हैं आकर वो रेलिंग लग जाने के बाद में फिर ये अंदर वाली लेन में नहीं आ सकते हैं दोस्तों। तो 3 लेन इस साइड में, 3 लेन उस साइड में, तो 6 लेन का ये एक्सिस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे होने वाला है दोस्तों, गाजियाबाद के लाल कुएँ से लेकर और ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक ये जाएगा ऐसे ही बनता हुआ दोस्तों। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगे, अच्छी लगी हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो सारे में ही अभी वर्क चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ में, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है दोस्तों NH 34 पे दोस्तों, NH 34 पे बहुत तेज़ी के साथ में इसका कायाकल्प किया जा रहा है, 4 लेन से 6 लेन में डाइवर्ट किया जा रहा है दोस्तों। तो आप सभी इंजॉय करो, मिलते हैं आपसे लास्ट में।
तो दोस्तों देखा आप सभी ने किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे को चौड़ा किया जा रहा है। देख सकते हो यहाँ पर ये लेन बना दी है, साइडों में देख सकते हो ये एक लेन और बढ़ा दी है। ये टू लेन तो ये है और एक लेन ये होगी, थ्री लेन होगी ना। और थ्री लेन बन जाने के बाद में फिर इस पर रेलिंग लगाई जाएगी साइड में, और रेलिंग लग जाने के बाद में फिर इस पर लैंड मार्किंग का काम किया जाएगा। स्ट्रीट लाइट भी अभी चेंज करके लगाई जाएंगे। तो बहुत सारा काम है करने के लिए दोस्तों NH 34 पे। तो देख सकते हो किस तरीके से ये लैन को ऐड किया जा रहा है इस एक्सप्रेसवे में, यानी कि थ्री लेन से वो फोर लेन से सिक्स लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। केपी संत पर डे लाता रहता है कहीं ना कहीं की आप लोगों को कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहता है केपी संत आपका आपके बीच में दोस्तों। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करो। देख सकते हो ये रेलिंग लगा दिया ना इन्होंने, इस रेलिंग पर पेंट भी कर दिया है, और देख सकते हो अब कितना चौड़ा ये रोड हो चुका है दोस्तों। अब आपको बता दूँ कि जाम से भी मुक्ति मिल जाएगी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजी रोड यही रहती थी कि हमारे दिल्ली को, दिल्ली और लखनऊ को जो जोड़ने वाला रोड था वो पहला रोड यही था दोस्तों। पहले ये NH 51 हुआ करता था, अब ये बदल के NH 34 कर दिया जा चुका है दोस्तों, देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा आपको बता दूँ कि जो खस्ता हालत थी वो इसी रोड की थी, क्योंकि सारे ट्रक यहीं से। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत गाइस।